सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। आप जिसे बल से नहीं हरा सकती उसे बुद्धि से अवश्य हरा सकती हैं। अपने समस्याओं की पहचान खुद करें, दूसरे तो उलझन पैदा करेंगे ही। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें। किस्मत की आजमाइश तो जुए में भी होती है। देखा हुआ सपना सपना ही रह जाता है जब तक व्यक्ति अपना पसीना नहीं बहाता। आज का पंचांग 19 जनवरी 2021 दिन मंगलवार, पौष मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि सुबह 10:59 तक रहेगी। इसके उपरांत सप्तमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। उत्तर भाद्रपद नामक नक्षत्र सुबह 9:55 तक रहेगी। इसके उपरांत रेवती नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 3:19 से 4:40 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:16 से 12:57 तक रहेगा। आज चंद्रमा मीन राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मकर राशि पर रहेंगे। वृश्चिक राशि 19 जनवरी 2021 दिन मंगलवार, यात्रा के मौके का स्वागत करें। एक छोटी यात्रा आपको कुछ लिखने, संगीत बनाने या फोटो और सेल्फी लेने का अवसर देगी। प्रभावी बातचीत महत्वपूर्ण है। छोटा भाई या आपकी उम्र का कोई आपसे बात करना और सुनना चाहता है। बोल्ड बने और अपनी रचनात्मकता का प्रदर्शन करें। अपने रोजाना जीवन से कुछ समय निकालें और नेट सर्फिंग, छोटी यात्रा या पार्टी करें। इससे आपको अच्छा महसूस होगा। प्रियजनों का साथ इस आनंद को और अधिक बढ़ा देगा। खुद पर भरोसा रखें और इस समय का मजा लें। कोई भी काम तब तक असंभव लगता है जब तक आप उस काम की शुरुआत नहीं करते। विद्यार्थियों तथा युवाओं को प्रतिस्पर्धा संबंधित कार्य में सफलता मिलने की पूरी संभावना है, इसलिए अपने ऊर्जा तथा समय का भरपूर सदुपयोग करें। आज कुछ धनदायक स्थितियां भी बनेगी। दोपहर बाद अप्रत्याशित ही कोई काम बनने की संभावना है। बीते समय में हुए पैसे का नुकसान फिर से आज तकलीफ दे सकता है। आपके ऊपर बने हुए कर्ज को मिटाना संभव है, लेकिन आपकी अपेक्षा से थोड़ा अधिक वक्त लग सकता है, इसीलिए जल्दी निराश ना होकर अपने प्रयत्न जारी रखें। परिवार के लोगों को अपनी समस्या संबंधित बातें न बताने की वजह से आपको मानसिक तकलीफ का भार अकेले ही उठाना पड़ेगा। सावधानियां, ज्यादा सोचने विचारने में समय व्यतीत ना करें तथा योजनाओं को तुरंत क्रियान्वित करें। खर्चों की अधिकता रहेगी परंतु साथ ही लाभ की स्थितियां भी बनेगी, इसलिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, परंतु अपने स्वभाव को सकारात्मक बनाकर रखें। बात करते हैं लव लाइफ की। पारिवारिक वातावरण खुशनुमा बना रहेगा। युवा वर्ग प्रेम संबंधों में समय व्यर्थ करने की बजाय अपने करियर पर अधिक ध्यान दें। अच्छा, आपको अपने पार्टनर से बात करने के लिए काफी धीरज से काम लेना होगा। अगर शांति बनाए रखनी है तो सोच समझकर बोलें। छोटी मोटी कहा सुनी भी गंभीर रूप धारण कर सकती है, हालांकि ऐसा कभी कभार ही होता है, इसे अधिक तुलना दें। अगर देंगे तो जीवन की किसी अच्छी चीज को खो देंगे। आज चुप्पी साधना सबसे बेहतर रहेगा। बात करते हैं करियर की। आज आप वह प्यार और खुशी को पाएंगे जो आप अपने कार्य क्षेत्र में महसूस करते हैं। बाहरी दबाव और काम के बोझ की वजह से वह खुशी कहीं दब सी गई थी, पर एक खुशनुमा पल आपको ये एहसास कराएगा कि क्यों आपने ये कार्य क्षेत्र चुना था और ये क्यों आप पर इतना जस्ता है। आज के दिन अपने कार्य क्षेत्र में अपना रवैया बदलने के लिए अति उत्तम है। बात करते हैं सेहत की।
अगर पिछले कुछ समय से आप अपने वजन को लेकर परेशान हैं, तो आज आपको कुछ सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। असंतुलित भोजन और एक्सरसाइज का एक स्वास्थ्यकर कार्यक्रम शुरू करने के लिए आज के दिन बहुत अच्छा है। अगर आप अपने इस कार्यक्रम में आसपास से किसी की मदद और सलाह ले सके तो आपकी सफलता की संभावना काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। अपने सेहत का पूरा ख्याल रखें। आज का उपाय, आज आप हनुमान भगवान जी को गुलाब की माला चढ़ाएं, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।